नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लास में। और आज क्लास में हम देखने वाले हैं भारतीय मानसून, जलवायु और वर्षा। भारतीय मानसून किस तरह से होता है, किस तरह से बारिश होती है, ये सारी चीज़ें हमें कवर करने वाले हैं। हम इस टॉपिक में कवर करेंगे ITCZ क्या होता है, जेट स्ट्रीम क्या होती है, अल नीनो और ला नीना क्या होता है, उच्च दाब और निम्न दाब क्या होता है, पछुआ जेट स्ट्रीम, पूर्वी जेट स्ट्रीम। हम इसके अलावा और भी चीज़ें इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि भारत के भूगोल की जो सीरीज हमने चला रखी है, जो SI RAS या इंडिया का कोई भी एग्जाम, इंडिया का कोई भी एग्जाम जिसमें भारत की ज्योग्राफी पूछी जाती है, तो आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ये क्लास देखिए, नोट्स बनाइए, और आपको कहीं और से पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इतनी डिटेल में पढ़ रहे हैं कि कोई छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा एग्जाम क्रैक कर सकते हैं आप। अपना एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय मानसून। तो भारतीय मानसून के बारे में हम बात करें तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य है मौसम। किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं जैसे तापमान, वर्षा, पवन, आर्द्रता आदि को सम्मिलित रूप से मौसम कहते हैं। देखो, आसान भाषा में समझो कि जो मानसून शब्द की उत्पत्ति है वो अरबी भाषा के मौसम से हुई है। ठीक है, मौसम अरबी भाषा शब्द है, इससे ही मानसून की उत्पत्ति हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है ऋतु होता है। मौसम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ऋतु होता है। क्या होता है, ऋतु। परंतु वास्तव में देखा जाए ना तो मानसून अर्ध स्थाई पवनों का नाम है। क्या है मानसून, क्या है, अर्ध स्थाई पवनों का नाम है जो हर 6 महीने में परिवर्तन होती रहती है। ठीक है, मतलब ऐसी पवने जो हर 6 महीने में परिवर्तन होती रहती है। ठीक है, तो मानसून क्या है, अरबी भाषा के मौसम से बना है। मौसम का अर्थ होता है ऋतु। ठीक है, ऐसी अल्पकालीन दशाएं जो हर 6 महीने में चेंज होती रहती है हवा के आधार पर, है ना। तो ये है आपके मानसून। अल मसूदी एक नामक एक यात्री था, मानसून पवनों की दिशाओं के परिवर्तन की जानकारी। कौन था, अल मसूदी। ठीक तो मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे लिख के, है ना। अल मसूदी एक जो है हमारे एक यात्री था, नाविक था, जो क्या है कि समुद्र में यात्रा करता था, है ना। तो उसने की जानकारी दी थी कि यार 6 महीने में जो है हवाएं चेंज हो रही है, इसलिए उनको उसको ही अल मसूदी को ही जो है इसका जनक कहा जाता है। अल मसूदी नामक एक जो था यात्री था, मानसून पवनों की जानकारी देने वाला। इसकी मानसून पवनों की जानकारी देने वाला। मानसून पवनों से प्रभावित क्षेत्रों में मानसून जलवायु पाई जाती है। मानसून पवनों से जहाँ पे भी प्रभाव पड़ता है, अब जैसे देखो हमारा भारत कहाँ पे आएगा, हमारा भारत आएगा आपके इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे आता है हमारा भारत, थोड़ा और बड़ा कर लो, इस जगह पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन होता रहता है हर 6 महीने में, और यहाँ पे जो जलवायु मिलती है वो मिलती है मानसूनी जलवायु। तो मानसून पवनों से प्रभावित है, तो वहाँ पे मानसूनी जलवायु आवश्यक होती है। मानसून जलवायु क्या होती है, देखो मानसून जलवायु क्या होती है, मानसून जलवायु के बारे में मैं बताता हूँ आप। मानसून जलवायु काफी सुना होगा, शीतोष्ण कटिबंध जलवायु, मानसून जलवायु। तो हम बात कर रहे हैं मानसून जलवायु की। मानसून जलवायु क्या होती है कि यह मुख्यतः दक्षिण दक्षिण एशिया, ठीक है, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है, और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे पाई जाती है। मानसून पवनों से प्रभावित क्षेत्रों में अधिकतम वार्षिक जो है वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। मतलब इसकी विशेषता है कि सबसे ज्यादा वर्षा कौन सी ऋतु में होती है, तो ग्रीष्म ऋतु में, मानसूनी जलवायु से वर्षा ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज्यादा होती है। हम देखते हैं कि अभी जैसे ग्रीष्म ऋतु चल रही है, तो यहाँ पे जो है मानसून वाला जो काल है वो भी चल रहा है, तो सबसे ज्यादा जो बारिश है आपके ग्रीष्म ऋतु में हो रही है। इन क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। ये सामान्य से जानकारी है
ना, कौन सी वनस्पति पाई जाती है उसमें कटिबंधीय, कटिबंधीय। अब उष्ण कटिबंधी क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा जब हम वनस्पति वाला चैप्टर करेंगे, है ना। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ जो है आपकी वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। अब देखो, मानसून की उत्पत्ति को समझाने में, मानसून की उत्पत्ति है कि मानसून कैसे आता है, तो मानसून की उत्पत्ति को समझाने में दो तरह के सिद्धांत हैं, दो तरह के सिद्धांत हैं। एक तो है आपके चिरसम्मत सिद्धांत। चिरसम्मत मतलब जो पहले से चला आ रहा है, ठीक है, पहले से जो चला आ रहा है। ये सिद्धांत दिया था एडमंड हैली ने, ठीक है। दूसरा जो सिद्धांत है आपके वो है आधुनिक परिकल्पना। आधुनिक परिकल्पना क्या है? आधुनिक परिकल्पना, ठीक है, आधुनिक परिकल्पना। आधुनिक परिकल्पना के अंदर ही आपके वो जो मैंने बताया था ITCZ, ठीक है, जेट स्ट्रीम, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। तो हम जो हैं, पहले हम देख लेते हैं चिरसम्मत परिकल्पना। चिरसम्मत परिकल्पना क्या है, उसके बाद हम देखेंगे आधुनिक परिकल्पना। देखो, चिरसम्मत में पहला पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं कि यह परिकल्पना के अंतर्गत एडमंड हैली ने उष्मीय सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? उष्मीय सिद्धांत। एडमंड हैली ने क्या दिया था? उष्मीय सिद्धांत दिया था, उष्मीय सिद्धांत दिया था। और यह मानसून की उत्पत्ति को समझाने के लिए दिया गया पहला सिद्धांत है। उष्मीय सिद्धांत जो है पहला सिद्धांत है, किस लिए? पहला सिद्धांत है मानसून की उत्पत्ति को लेकर, एडमंड हैली का मानसून की उत्पत्ति को लेकर पहला सिद्धांत है। ने दिया है उसमें सिद्धांत मिस्टर हैली ने, ठीक है। एडमंड हैली कहता है कि मानसून की उत्पत्ति का जो प्रमुख कारण है ना वो क्या है? जल तथा स्थल का विभेदी तापन। ये देखो, यह हमारा भारत है और भारत में यह है हमारे समुद्र, अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी। ये पूरा स्थलीय भाग है अंदर वाला, ये पूरा स्थलीय भाग है, ठीक है। ये क्या है? पूरा स्थलीय भाग है, ठीक है। तो एडमंड हैली कहता है कि जो इस सिद्धांत को दिया है ना, तो वो कहता है कि जो प्रमुख कारण है ना वो है जल और स्थल का विभेदी तापन। मतलब यहाँ का टेम्परेचर और जल का टेम्परेचर दोनों होते हैं डिफरेंस, दोनों के अंदर होता है जो है क्या होता है? अंतर होता है ना। तो दोनों के अंदर अंतर होता है। जैसे क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान जो है जब गर्मी पड़ती है हमारे भारत में, तो भारतीय जो उपमहाद्वीप है ये हो जाता है अत्यधिक गर्म, ये हो जाता है गर्म। गर्म को लिख देता हूँ मैं ऐसे हॉट, या वार्म लिख देते हैं ना, डब्लू लिख देते हैं, जिसके कारण यहाँ पर निम्न दाब की परिस्थितियाँ बन जाती। अब क्या होता है देखो मैं बताऊँ तो, ये नीचे वाले चित्र से, ये हो गया। चलो हम ऊपर ही देखते हैं। ये देखो, गर्मी पड़ती है ना, यहाँ से हमारे गुजर रही है कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा गुजर रही है। कर्क रेखा के यहाँ पे है ना, यहाँ तक सूर्य जो है सीधा चमकता है एक तरह से, है ना, यहाँ पे ज़्यादा ऊष्मा ज़्यादा आती है। अब जो है प्रकृति, नेचर ही ऐसा होता है किसका, स्थलीय भाग का, कि वो जल्दी गर्म होता है। क्या होता है? जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। अब यहाँ पे है पड़ रही है सूर्य की सीधी किरणें इस वाले भाग पे, ठीक है, इस पूरे भाग पे पड़ रही है सूर्य की किरणें। यहाँ पे मान लो है ना, पूरे स्थलीय भाग की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे जो है गर्म होगा, जल्दी गर्म होगा, जल्दी गर्म होगा, तो यहाँ पे ना जो पवने हैं यहाँ पे जो तो यहाँ पे जो वायु दाब है वो गर्म होके ऊपर की ओर उठेगा। क्या उठेगा? गर्म होके यहाँ पे जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ की जो पवने वायु दाब है ऊपर उठेगी और यहाँ बन जाएगा निम्न वायु दाब का क्षेत्र। क्या बन जाएगा? निम्न वायु दाब, मतलब यहाँ पे वायु नहीं होगी। अब इसकी तुलना में यहाँ पे जो समुद्री जो जगह है यहाँ पे क्या है? उच्च वायु दाब है। क्यों? क्योंकि ये आराम से ठंडा होता है और आराम से ही गर्म होता है, तो इसकी तुलना में ये ज्यादा है जो ठंडा। अब ठंडा है तो यहाँ है उच्च वायु दाब। ये ध्यान रखना एक चीज, यहाँ पे कोने में कहीं पे भी लिख लेना, जहां पर गर्मी ज्यादा होती है ना, गर्म, वहां होता है निम्न वायु दाब।
और जहाँ पर जो है ठंडा इलाका होता है वहाँ होता है उच्च वायु दाब, ये ध्यान रखना। तो इससे क्या है कि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पे बना हुआ है स्थलीय भाग में निम्न वायु दाब और यहाँ बना हुआ है उच्च वायु दाब। तो अब उच्च वायु दाब से पवन ने क्या है कि निम्न वायु दाब की ओर अग्रसर होती है। यह क्या है, पवनों की प्रकृति होती है, पवनों की प्रकृति है। तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ बढ़ने के लिए पवनें बहुत जोर से चलती है, बहुत जोर से चलती है। तो ये पवनें है ना, अब ये समुद्र से आ रही है, तो समुद्र से आ रही है तो आर्द्रता युक्त होती है। पवनें क्या होती है, आर्द्रता युक्त, यहाँ इसमें नमी होती है ना, पानी वगैरह जो है इसके अंदर ऑब्जर्व होता है, वाष्प होती है। अब यहाँ पे जाके जो है पवनें निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र को भरने की कोशिश करती है, तेज तरीके से आती है और यहाँ पर जो है, यहाँ पे जो है वायु जो है आपके भरने की कोशिश करती है निम्न वायु दाब को। यहाँ पे आते ही है ना इस वाले क्षेत्र को भर देती है और यहाँ पे जो आर्द्रता युक्त पवन है वो यहाँ पे बारिश करा देती है। तो ये था आपके ऊष्मीय सिद्धांत, है ना, जैसे अभी अपन देखते हैं और बारिश करा देती है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान जो है भारतीय उपमहाद्वीप में अत्यधिक गर्म हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर निम्न वायु दाब परिस्थितियों का निर्माण होता है। इसकी तुलना में हिंद महासागर में उच्च वायु दाब पाया जाता है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे उच्च वायु दाब पाया जाएगा, ठीक है। अतः पवने हिंद महासागर से भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ चलती है, ठीक है, ये चल रही है पवने। इसे ही दक्षिण पश्चिम मानसून पवने कहते हैं। जब ये पवने चलती है ना, जैसे ये देखो, तो यही हो गया दक्षिण भाग और इधर से यूं चलती है, तो ये हो गया पश्चिम, तो ये हो गया ना दक्षिण पश्चिम मानसून, हो गया दक्षिण पश्चिम मानसून। मतलब पवनों की जो दिशा रहती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। पवनों की दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर चलती है। इसे इसलिए इसे क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून, क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून। इन पवनों के कारण ही ग्रीष्म ऋतु में जो है पर्याप्त वर्षा होती है। आया होगा समझ में, ठीक है, आया होगा आपको समझ में। शीत ऋतु के दौरान क्या होता है, अब देखो ग्रीष्म ऋतु की बात होगी, अब हम बात करते हैं शीत ऋतु की। शीत ऋतु में क्या होता है, शीत ऋतु में होता है आपके, शीत ऋतु में क्या होता है कि उपमहाद्वीप अत्यधिक ठंडा हो जाता है। मैंने क्या बताया था कि जो स्थलीय भाग है जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है, यह ठंडा और यह है आपके गर्म। पानी की प्रकृति क्या होती है कि देर से गर्म होता है, देर से ही ठंडा होता है। तो स्थलीय भाग है आपका ठंडा, क्योंकि यहाँ पे अब सूर्य नहीं चमक रहा, यहाँ से जो आपके चाइना रशिया की तरफ साइबेरिया की जो हवाएं आती है, तो ये पूरा भाग ठंडा होता है, ठंडा होता है और ये होता है गर्म। तो पवने अब कैसे चलेगी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व, ये तो हो गया आपके गर्मी में। अब देखो सर्दी में, शीत ऋतु में, सर्दी में कैसे चलेगी, अब ये इसकी प्रकृति उल्टी हो जाएगी, उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है, उत्तर पूर्व से अब पवने यूं चला करेगी, कैसे, पवने यूं चला करेगी, है ना। अब यहाँ बन जाएगा गर्म है, तो यहाँ बन जाता है निम्न वायु दाब का क्षेत्र, यहाँ बन जाता है वह उच्च वायु दाब, तो पवने चलेगी थल से जल की ओर। तो देखो शीत ऋतु के दौरान उपमहाद्वीप अत्यधिक ठंडा हो जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप पर उच्च दाब परिस्थितियों का निर्माण हो जाता है, ये उच्च वायु दाब का निर्माण हो गया। इसकी तुलना में हिंद महासागर में निम्न वायु दाब बन जाता है, जैसा मैंने आपको बताया, है ना। तो अतः पवने हिंद महासागर की ओर चलना शुरू कर देती है। अतः पूर्वी उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं इसे, क्या कहते हैं आपके, उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून। अब देखो एक चीज मैं बताऊं, ये यहाँ पे समुद्र है बंगाल की खाड़ी, यहाँ हिंद महासागर, यहाँ अरब सागर। अब पवने जब गर्मी में चलती है दक्षिण पश्चिम मानसून, तो ये आर्द्रता युक्त होती है क्योंकि ये पानी के ऊपर से चलती है। लेकिन अब यही देखो, तो सर्दी में जब पवने चलती है, तो ये तो स्थलीय भाग है, यहाँ पर तो पानी नहीं है, अब तो पानी नहीं है तो ये तो बारिश बारिश करवा नहीं सकती है। तो केवल यहाँ इस तरफ से जो ये बंगाल की खाड़ी, उत्तर पूर्वी मानसून, यहाँ से जो है ना हवाएं उठती है, यहाँ होके आती है, तो यहाँ पे है बंगाली खाड़ी, यहाँ होता है आपके पानी, पानी होता है तो आर्द्रता होती है, फिर पवनों में और पवनों में आर्द्रता होती है, ये टकराती है सीधी तमिलनाडु के तट पर। तो उत्तर पूर्वी मानसून से एकमात्र जगह है तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र जहाँ बारिश होती है, होती है बारिश तमिलनाडु का तटीय
तट है जहाँ पे होती है बारिश। ये पवने शुष्क होती है तथा सामान्य शीत ऋतु के दौरान वर्षा नहीं करती। इन पवनों की एक शाखा जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से जलवाष्प ग्रहण करती है और कोरोमंडल तट पर बारिश करती है। ये जो है आपके कोरोमंडल तट, ठीक है, ये कौन सी जगह है आपके कोरोमंडल तट, यहाँ पे बारिश करती है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, ठीक है। तो ये था आपके आधुनिक पर सॉरी उष्मीय सिद्धांत, हेली द्वारा दिया गया उष्मीय सिद्धांत था, ठीक है। में कुछ कमियां रही, क्या कमियां रही वो अभी हम आगे देखते हैं, सिद्धांत में क्या कमियां रही देखते हैं हम। समझ में आ गया होगा आपको, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं आप, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको वैसे भी, क्योंकि टाइम इतना है नहीं आ रहे थे एग्जाम की कि आप पूरे नोट्स बनाओ, तो शॉर्ट नोट्स हम उस तरह से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे मैं कमियां क्या क्या रही है, कमियां क्या रही है, कुछ कमियां रही है, कमियां रही है इसमें। ये अप्रैल तथा मई के महीने में निम्न वायु दाब के बावजूद पर्याप्त वर्षा नहीं होती है। अप्रैल और मई में यहाँ पर गर्म तापमान रहता है, बहुत ज़्यादा निम्न दाब बन जाता है ना, अप्रैल मई में निम्न दाब के कारण भी बारिश नहीं हो पाती। पहली चीज़ तो ये वर्षा नहीं, दूसरा क्या है, मानसून की कोई तिथि निर्धारित नहीं है, तिथि का कोई निर्धारण नहीं है। सामान्य से चीजें, सामान्य दूसरी तीसरी चीज क्या है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप हिंद महासागर, महासागर यहाँ पर क्या है कि वर्ष भर हर साल क्या है एक जैसी दाब प्रवणता रहती है, क्या रहती है, एक जैसी समान दाब प्रवणता, मतलब ये गर्म होगा ये ठंडा होगा, फिर शीत ऋतु में ये गर्म होगा ये ठंडा होगा, ठीक है। तो इस तरह से दाब प्रवणता समान रहती है, परंतु मानसून में अंतर आता है, मानसून अंतर आता है। अब इसके बहुत सारे रीजन है जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे अंतर क्यों आता है, एक तो लानीना है ना, अलनीना और मानवीय गतिविधियां, बहुत सारी चीजें तो अंतर आता है। तो ये तो थोड़ी सी कमियां थी, इसको आप देख लेना, बाकी आपको तो ये ऑब्जेक्टिव पेपर है तो कमियां आपको मैं, ठीक है, मैं तो आपको बता दिया। अब इस कमियों को दूर करने के लिए कुछ कमियां रह गई थी, तो एक अलग सिद्धांत दिया गया, वो है आधुनिक सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत दिया गया, ठीक है। आधुनिक सिद्धांत के बारे में हम जानकारी करते हैं, वो क्या था, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट था वो था आई टी सी जेड, आई टी सी ऊपर देखते हैं, ठीक है। आई टी सी जेड क्या होता है वो हम देख बता दें एक बार, ये देखो आई टी सी जेड, आई टी सी जेड ITCZ जो सिद्धांत है ये 1950 के दशक में, 1950 के दशक में इसके द्वारा दिया गया, ये दिया गया था आपके प्लो नामक एक जो थे वैज्ञानिक, इनके द्वारा दिया गया। प्लोन कहता है कि मानसून की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है, दाब पेटियां, उत्पत्ति का कारण क्या है, मानसून की उत्पत्ति का क्या कारण है, दाब पेटियां, क्या है, दाब पेटियां।
ITCZ के अन्य नाम भी हैं। अन्य नाम कौन कौन से हैं? वो है आपके, पहला अन्य नाम, अन्य नाम कौन कौन से नाम है अन्य? एक है आपके गतिशील अवधारणा, गतिशील अवधारणा, ठीक है। दूसरा क्या है आपके? वायुमंडल, वायुपुंज सिद्धांत, वायु सिद्धांत। तीसरा क्या है? विषुवत रेखीय पश्चिम पवने, विषुवत रेखीय पछुआ पवने, ठीक है। तो गतिशील अवधारणा, वायुपुंज सिद्धांत और विषुवत रेखीय पछुआ पवने, तो ये इसके अन्य नाम हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि ये होता क्या चीज़ है, इसको समझते हैं ये होती क्या चीज़ है, ठीक है। इसको मैं मिटा दूं, यहीं पे समझेंगे, क्योंकि ये वाला जो चित्र है हमारे काम आएगा। अन्य नाम क्या है? ITCZ 1950 के दशक में प्लोन ने सिद्धांत दिया। उत्पत्ति कैसे मानी कि मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है? दाब पेटियों के कारण, ठीक है, दाब पेटियों के कारण। अन्य नाम क्या है इसके? गतिशील अवधारणा का सिद्धांत, वायुपिंड सिद्धांत और विषुवत रेखीय पछुआ पवने, विषुवत रेखीय पछुआ पवने, ठीक है। देखो, जून के महीने में ITCZ 20 से 25 डिग्री अक्षांश के बीच में भारत पर आकर स्थापित हो जाता है। ITCZ क्या है? ये ITCZ है निम्न वायु दाब का क्षेत्र। अब यहाँ पे है उष्णकटिबंध, यह है 0 डिग्री। अब सूर्य चमकता है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस जगह पर सूर्य चमकता है, तो ITCZ, जहाँ सूर्य बिल्कुल सीधा चमकता है ना, तो वहाँ पे बन जाता है ITCZ, ठीक है, ITCZ। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? ये हमारे यहाँ पे भारत है इस जगह, तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि भारत यहाँ पे जो है ITCZ बन जाता है, कहाँ पे? इस जगह पे। कहाँ से कहाँ तक? 20 डिग्री से 25 डिग्री के बीच, 20 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में, मतलब भारत के बिल्कुल सेंटर में बन जाता है, भारत के, भारत के बिल्कुल सेंटर में बन जाता है। ये देखो थोड़ा सा, तो भारत के बिल्कुल सेंटर में क्या बन जाता है? ITCZ, ठीक है, ITCZ बन जाता है। उत्तरी गोलार्ध की उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी उत्तरी अक्षांश के स्थापित हो जाती है। उपोष्ण कटिबंधीय वायु दाब की पेटी जो है आपके 40 से 45, मतलब यहाँ बन जाता है निम्न वायु दाब का क्षेत्र। अब ये निम्न है, तो अब ये जो ऊपर, ये देखो उष्ण, ये देखो, पहले मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि जो 0 डिग्री है यह है विषुवत रेखा। क्या है? 0 डिग्री विषुवत रेखा। यहाँ पर उष्ण कटिबंधी मतलब यहाँ पर जो है गर्मी पाई जाती, उष्ण पाया जाता, उष्ण कटिबंध है ना, 0 डिग्री कटिबंध। ये कहां से कहां तक है? ये है आपके उत्तरी अक्षांश 33.5 डिग्री तक है ना, और नीचे कहां तक है? 33.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यहां तक है, यहां पर रहती है गर्मी। उसके बाद होता है शीतोष्ण, मतलब यहाँ, क्योंकि यहाँ पे इस वाले जो क्षेत्र है ना, ये वाला, यहाँ पे पड़ती है सूर्य की किरणें है ना, तेज पड़ती है यहाँ पे, जो इसलिए गर्मी रहती है, इसलिए ये हमेशा है ना उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र माना जाता है। इसके ऊपर देखो, यह है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय, यहाँ मतलब गर्मी और सर्दी दोनों, दोनों का मतलब मिक्स टेम्परेचर होता है। यहाँ पे सूर्य किरणें ना तिरछी पड़ती है, तिरछी पड़ती है तो तापमान भी कम रहता है, यह है शीतोष्ण कटिबंध। अब यह है उत्तरी शीत कटिबंध, यहाँ पर जो है सूर्य किरणें यहाँ के बराबर पड़ती है, तो यहाँ पे ठंड रहती है, मतलब जो है आपके साइबेरिया वाला जो पार्ट है। अब देखो इसके बीच में भी, मैं आपको बताऊं, इसके बीच में भी यहाँ पर ये देखो 23.5 डिग्री, और ये भी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। यह है आपकी कर्क रेखा,
और यह है आपके मकर रेखा। सूर्य की जो किरणें ना वर्ष भर इन दोनों जो है यहाँ पे ही रहती है ना, सूर्य की किरणें यहीं पे रहती है। अब भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा जो है भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, कर्क रेखा बिल्कुल भारत के मध्य से जो है गुजरती है, ठीक है। अब मध्य से गुजर रही है तो सूर्य की किरण गर्मी में यहाँ पे पड़ती है कर्क रेखा पे, ठीक है, कर्क रेखा पे पड़ती है, तो कर्क रेखा के कारण यहाँ पे क्या है कि जो ऊपर की ओर है ना वो खिसक जाता है, 20 से 25 डिग्री अक्षांश के बीच में स्थापित हो जाता है ITCZ, मतलब सूर्य किरण जब कर्क रेखा पे पड़ रही है तो यहाँ बनेगा निम्न वायु दाब का क्षेत्र, मतलब ITCZ, 20 से 25 डिग्री, जैसा मैंने बताया था कि 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य ग्रीष्म ऋतु में जो है आपके क्या बनती है, ITCZ, ITCZ, मतलब ITCZ कुछ ही नहीं है, ITCZ का मतलब यह है कि निम्न वायु दाब का क्षेत्र। तो निम्न वायु दाब का क्षेत्र क्या होता है कि 20 से 25 डिग्री में होता है गर्मियों में, ठीक है। अब ये ऊपर सरका है तो ये वाली जो शीतोष्ण कटिबंध है ये भी और ऊपर सरक जाएंगे, तो ये सरक जाता है आपके उष्ण कटिबंध, ये भी सरक जाता है ऊपर की साइड, है ना भाई, कोई चीज नीचे से ऊपर की ओर सरक रही है तो ऊपर ऊपर वाली चीज भी तो और ऊपर सरकेगी ना, तभी तो वो जगह जो है काम आएगी, ठीक है। उपोष्ण कटिबंध है ये आपका होता है 40 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थापित हो जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में है जो है उच्च वायु दाब की पेटी, दक्षिणी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी जो है वैसे नॉर्मली कहाँ पे है, 33 डिग्री पर, लेकिन अब ये ऊपर सरका है तो ये भी और ऊपर सरकेगा, तो ये आ जाता है दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में हम बात करें ये आ जाता है आपके 10 से 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। समझ में आ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सामान्य तो देखो 33 डिग्री से 66 डिग्री तक उपोष्ण कटिबंध है उत्तरी, और नीचे है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, लेकिन जब ITCZ बनता है निम्न वायु दाब का क्षेत्र जब बनता है ग्रीष्म ऋतु, तो सारी चीजें धीरे धीरे ऊपर सरक रही है, तो नीचे से भी है ना, तो ये नीचे से भी तो ऊपर सरकेगा, फिर अभी यहाँ पर है लेकिन बाद में जब दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है कि ये 10 से 15 डिग्री पर आ जाता है। भारत पर ITCZ के रूप में निम्न दाब की पेटी बन जाती है, अतः ये निम्न दाब की द्रोणी जो है दक्षिणी गोलार्ध की पूर्वी पवनों को भारत की ओर आकर्षित करती है। अब यहाँ पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र हो जाता है, इस वाली जगह पे निम्न वायु दाब का क्षेत्र हो जाता है, तो यहाँ से जो है पवने हैं ना इनको आकर्षण मिलता है, तो निम्न वायु दाब से उच्च वायु दाब की ओर पवने आती है, सॉरी उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर पवने आती है। जब भारत में निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है तो समुद्र का जो पूर्वी समुद्र से जो उच्च वायु दाब बना हुआ है वहां से पवने आती है, ये पवने आती है पूर्वी दिशा से, कहाँ से आती है पवने आती है आपके इधर से, इधर से पवने आती है पूर्व की ओर से, ठीक है। ये दक्षिणी गोलार्ध की पूर्वी जो पवने हैं उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर जाती है, ये देखो ये इसके ऊपर वाला भूमध्य रेखा के ऊपर वाला क्या है, क्या है उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। जब ये दक्षिणी गोलार्ध की पवने पूर्व की ओर से आती है और आपके उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर जाती है, क्या कर जाती है उत्तरी गोलार्ध में आपके प्रवेश कर जाती है। जब ये प्रवेश करती है ना, जब ये प्रवेश करती है एक चीज ध्यान रखना कि उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल के कारण ये पवने अपने दाईं ओर मुड़ जाती है, कैसे, जब ये यहाँ से आ रही है पूर्व की ओर से, तो अब ये पवने यूं ही जानी चाहिए ना वैसे तो देखा जाए तो, कैसे एक मिनट, ये है जीरो डिग्री विषुवत रेखा, ये हो गया आपके भारत, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जब पवने है ना दक्षिणी गोलार्ध से यूं आ रही है, ठीक है, पूर्व की ओर से आ, तो उत्तरी गोलार्ध में जब ये भूमध्य रेखा क्रॉस करती है ना, तो कोरियोलिस बल होता है, कोरियोलिस बल होता है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो बल लगता है, तो उस बल के कारण क्या होती है, ये सारी हवाएं जो है आपके दाई ओर घूम जाती है, तो ये इधर घूम जाती है, ठीक है, इधर घूम जाती है। अब भारत यहाँ पे, भारत में जब ये दाई ओर, अब इनकी जो
दिशाएं, यहाँ पे देखो इनकी दिशा क्या थी ऊपर पहले, यहाँ पे इनकी दिशा थी कि इनकी दिशा थी दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर, क्यों थी? ठीक है, अब यहाँ पे जो है अपनी दाई ओर घूम गई कोरियोलिस बल के कारण, दाई ओर घूमने के कारण यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, इनकी दिशा कैसी हो गई? अब ये यूं चल रही सारी पवनी, कैसे चल रही, इस तरह से। तो दाई ओर घूमने से इनकी पवनी क्या हो गई, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और यहाँ पे गलत, उत्तर पूर्व नहीं है, उत्तर पश्चिम है, क्या है, उत्तर पश्चिम, पश्चिम। अब ये जो पवने हैं इनकी दिशा ऐसे हो गई, तो दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में इसलिए तो आता है कि ये पवने यूं आती है दक्षिण पश्चिम से, इसलिए ये दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाया। और ये मानसून पवने जब भारत में वर्षा करती है तो ये वर्षा जून और जुलाई अगस्त के दौरान होती है। शीत ऋतु के दौरान उत्तरी गोलार्ध की उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब की जो पेटी है भारत पर स्थापित हो जाती है तथा भारत पर उत्तर पूर्वी मानसून पवनों का प्रभाव पड़ता है। आगे आपको समझ में, एक बार गर्मी वाली बात कर लेते हैं, शीत ऋतु की बात करेंगे, सिंपल सी बात है, दोबारा देख लेते हैं। आईटी चीजें समझ में आ गया ना, तो आपको ये सीए जो है आपको जलवायु वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट आ जाएगा समझ। ये क्या है आपके भूमध्य रेखा, यहाँ कहाँ, यहाँ पे है हमारा प्यारा भारत, यहाँ से जो है आपके क्या बनता है, आईटी सीजन, निम्न वायु दाब का क्षेत्र, या निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनता है, तो यहाँ से पवने जो है उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर दक्षिणी गोलार्ध से आती है, या आ गई। ठीक है, पवने तो आ गई, लेकिन पवने क्या करेगी, अब जो है भूमध्य रेखा को पार करती है, भूमध्य रेखा को पार करती है, यहाँ लगता है कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल जो होता है जो पवनों की दिशा को अपने दाई ओर मोड़ देता है, दाई ओर मोड़ देता है, तो यहाँ पे जो है मानसून जो हवाओं की दिशा है वो हो जाती है दक्षिण पश्चिमी, इसलिए इसे कहते हैं दक्षिणी पश्चिम मानसून। ठीक है, अब आती है शीत ऋतु, शीत ऋतु में जो होती है आपके जो सूर्य होता है दक्षिणायन, मतलब सूर्य की जो किरणें हैं अब कर्क रेखा पर चमकने लगती, कर्क रेखा पर चमकने लगती है, तो यहाँ पे जो है आपके कर्क रेखा पर चमकने लगती है, तो यहाँ पर जो बन जाता है आपके निम्न वायु दाब का क्षेत्र, निम्न वायु दाब का क्षेत्र, क्योंकि तापमान उच्च रहता है तो दाब तो कम रहेगा। अब यहाँ पे और अपने भारत में बन जाता है उच्च वायु दाब, उच्च वायु दाब बन जाता है। अब तो पवने क्या होती है, पवने यहाँ से स्टार्ट होती है, क्या होती है, पवने यहाँ से स्टार्ट होती है और निम्न वायु दाब की ओर बढ़ती है, उत्तर पूर्व से पवने आती है और यहाँ पे आपके जो है उत्तर पूर्व से पवने आती है, तरफ से मैंने बताया था ना आपको, उत्तर पूर्व से पवने आएंगी, पवने आएंगी और कोरियोलिस बल के कारण ये वापस ऐसे मुड़ जाएगी बाईं ओर दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, इस तरह से जो है ये मानसून का चक्र चलता है ITCZ वाला। ठीक है, आया समझ में? अभी देखो आगे देखते हैं, अब चक्रवाती परिकल्पना क्या है स्टेट की, स्टेट की।